जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तर्पण कैसे करते हैं। प्राप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तर्पण कैसे किया जाता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन जो कुशा का हो, बड़ी थाली या ताम्रड़ यानी तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूलमाला, कुसा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखें। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलें। अब आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़कें अर्थात पवित्र होवें। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुसे की पवित्री यानी अंगूठी अनामिका उंगली में पहनकर हाथ में जल, सुपाई, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें। फिर बोलें अथ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करस्य। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आवाहन करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठें, जनेऊ को रखें, दिशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देवार्थ से अर्थात दाएं हाथ के उंगलियों के अग्रभाग से तर्पण दें। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके माला जैसे पहनते हैं पहने एवं पालकी मारकर बैठें। हम दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। उंगलियों से देवता और अंगूठों से पितरों का तर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर दाएं हाथ के नीचे ले जाएं। थाली में काले तिल छोड़ें। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आवाहन करें। ओम अगच्छन्तु मे पितर इमं ग्रहन्तु जलान जलिम। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें। गोत्र अस्मित पितामह यानी पिता का नाम, वाशुरूपत प्राप्य तमिदम लोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः। इस मंत्र से पिता माँ और परदादा को भी 3 बार जल दें। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। जिनके नाम हमें याद नहीं हैं तो वो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी के नाम का उच्चारण कर लें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर कंडे पर गुड़, घी की धूप दें। धूप के बाद 5 भोग निकालें जो पंचबली कहती है। दोस्तों पंचबली वो होती है जो कि हम पितरों पे जो खाना बनाते हैं उनको 5 जगहों पर वितरित करते हैं। जैसे कि 1 भाग गाय को जाता है, 1 भाग देवी को जाता है, 1 भाग पीपल पे जाता है, 1 भाग कौवे को जाता है और 1 भाग कुत्ते को जाता है। इसे हम पंचबली कहते हैं। तो उसको निकालें और उसको रखाएं। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों
ये तो रही तर्पण की जानकारी। आशा है आपको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।